तरफ से भूपेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी एक ग्रुप है और वो ऑर्गेनाइजर है। तो मैं अंजलि को बुलाऊंगी कि भूपेश जी को आगे और भूपेश भूपेश आइए। और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। All of us are so busy in our life, so much stress, so much professional life, private life, and we don't have time for ourselves. So he somehow organized us together, and we are celebrating. So now, this is behalf of all of us, everyone. So thanks, token of thanks. Please give him a big round of applause. मैं ऑलरेडी बोल रिसर्च के लिए मैं आप सबका सुमन जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आगे से और भी बेहतर हो ये प्रोग्राम, और बेहतर हो और अच्छे से निकले और अच्छे से निखर के आए और बहुत से लोग ज्वाइन करें, ऐसा कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। और ये खाली मेरा ही नहीं, जितने अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से मेरे मेंबरान हैं या ऑफिस बेरर हैं, उन सब का ये इकट्ठा एफर्ट है, जॉइंट एफर्ट है, जिसके कारण हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जब ये हमने जब चालू किया कि कलेक्शन चालू करते हैं, कंट्रीब्यूशन के बगैर तो कुछ होता नहीं पॉसिबल, तो चालू किया तो मैं बम्बई में था अपने बेटे के पास, तो ये पुनीत भसीन वहाँ पे आपकी फैमिली के साथ शूटिंग देख रहे हैं, माय सन इज इन टू द फिल्म, सो शूटिंग चल रही थी उनकी, तो ये आया तो मेरे को ध्यान आया यार इससे 900 रुपये ले रहे हैं। मैंने कहा यार तुम 900 रुपये ले रहे, और इतना उस समय मोड भी डिफरेंट था और रात का वक्त था, थोड़ी शाम रंगीन थी और हाथों में जाम भी थे, तो उस वक्त मैंने बोला 900 रुपए दे दो, बेचारा घबरा गया किसके पैसे मांगे, और इतना ढीठ आदमी इसने तब भी पैसे नहीं दिए, आखिरकार इसकी बीवी को बोलना पड़ा भाई 900 रुपए चाहिए, वो बेचारी पर्स में लेके आई, इसे फर्स्ट कलेक्शन 900 रुपए मैंने बंबई में लिया, और सेकंड थर्ड कलेक्शन का भी मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं अनीता कमल के घर पे गया, घर पे पहुंचने के बाद बोला बेटा मैंने कहा पहले 1800 रुपए दे दो भैया, था बन के उसके बाद बात करेंगे। एनीवे इट्स ऑल जॉइंट एफर्ट, आई थैंक एवरीवन ऑल द पार्टिसिपेंट एंड माय कोलीग फ्रॉम सीबीएस एलुमनाई एसोसिएशन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दो लाइनें सुनाना चाहती हूँ, प्लीज लास्ट है ये, आई नो इट्स ऑलरेडी वेरी गुड, लास्ट नहीं है आपका, लास्ट है प्लीज। दोस्तों सुनिए, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शता जिनकी नीयत खराब होती है, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, कोई रोकर दिल छुपाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है, क्या करामात है कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैरा करते हैं, मौत को देखा तो नहीं है पर शायद खूबसूरत होगी, कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है, गजब की एकता देखी लोगों को जमाने में, जिंदा को गिराने में मुर्दों को उठाने में, जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, मिलते जुलते रहो यारों, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।